कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एचयू क्या होता है, यानी एचयू एयर हैंडलिंग यूनिट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एचयू क्या होता है। एचयू का फुल फॉर्म आप लोगों को पता है, एयर हैंडलिंग यूनिट होता है। तो एचयू जो होता है ये एचवीएसी सिस्टम में यूज किया जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एरिया हो, कॉमन एरिया हो या बहुत से रूम हो, वहाँ पे ये यूज किया जाता है। ये जो है एचयू जो होता है चिल्ड वाटर सप्लाई पे काम करता है। तो चिल्ड वाटर इसके लिए हम लोग को चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चिल्ड वाटर आ रहा है सप्लाई, ये जो है आप लोग चिल्ड वाटर देख सकते हैं, और ये जो है रिटर्न इधर से जा रहा है। इसमें क्या होता है, कूलिंग कॉइल होता है। ये जो है चिल्ड वाटर बेस्ड सिस्टम होता है, और इसमें जो है फ़ायदा क्या होता है कि एक एचयू लगा के हम लोग बहुत से एरिया को कवर कर सकते हैं, टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर सकते हैं। इसमें ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। तो ये ज़्यादातर जो होता है हॉस्पिटल, मॉल और बड़े बड़े बिल्डिंग वगैरह में यूज किया जाता है, जहाँ पे क्या होता है कि जो हम लोग को फ्रिक्वेंटली बहुत अच्छे तरीके से टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करना होता है, तो ईजिली हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि इसका जो एचयू होता है, इसका मेंटेनेंस वगैरह भी बहुत कम होता है। इसमें जो है एक बार हम लोग पैसा लगा दिए, खर्च हो गया, उसके बाद में इसका मेंटेनेंस जो है बहुत कम होता है। जैसे एचयू यूनिट अगर हम लोग लगाते हैं, स्प्लिट लगाते हैं, तो हम लोग को ज़्यादा संख्या में लगाना पड़ेगा और उसका मेंटेनेंस जो होगा बहुत ज़्यादा होगा। तो जो हमारे छोटा छोटा क्रैक यूनिट एचयू, और जो हमारा एचयू क्रैक यूनिट हो गया या स्प्लिट यूनिट हो गया, ये सब अगर हम लोग लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा और उसका मेंटेनेंस जो होता है बहुत ज़्यादा उसमें खर्च होता है। लेकिन एचयू जो होता है इसमें बहुत सा सिंपल प्रोसेस होता है, सिर्फ चिल्ड वाटर पानी आता है, जो ठंडा पानी आता है उसी पे ये ठंडा करके आसानी से टेम्परेचर को मेंटेन कर देता है, जो ज़्यादातर बहुत सिंपली होता है। बहुत सिंपल इसका जो है प्रोसेस होता है, और ये भी रिलायबल भी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं आता है। मोटर वगैरह जो होता है उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है। तो हम लोग देखेंगे इसमें एचयू में मेन क्या क्या इक्विपमेंट है। तो सबसे इसमें मेन इक्विपमेंट जो है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये जो है आप लोग देख सकते हैं फ़ैन, ये जो है ब्लोअर है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक मोटर लगा हुआ है ब्लोअर, तो ये एयर का सप्लाई के लिए लगा हुआ है। और ऊपर जो है ऐसे सेम जो लगा है बिल्डिंग से जो एयर है उसको खींचने के लिए, यानी रिटर्न एयर फैन है। तो कहीं कहीं पे एक ही फ़ैन से काम चल जाता है, अगर छोटा एचयू होगा तो एक ही फ़ैन से काम चल जाएगा, लेकिन बड़ा जो होगा उसमें दो तीन ऐसे क्या होता है कि हमारा फ़ैन लगता है, कहीं कहीं पे दो लगता है, कहीं कहीं पे तीन भी लगता है, जैसा कैपेसिटी रहेगा, कहीं कहीं पे एक से भी काम चल जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है कूलिंग कॉइल है। तो कूलिंग कॉइल जो है आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है कि जो हमारा ठंडा का जो प्रोसेस होता है, जो एयर आता है, जो हमारा जो बाहर का फ्रेश एयर हो या रिटर्न एयर हो, दोनों को ठंडा करने के लिए ये जो है कूलिंग कॉइल का ज़रूरत पड़ता है। इसको क्या कर सकते हैं, कंडेंसर भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, पानी सर्कुलेशन होता रहता है और एयर जो है इस एरिया में रहता है, फैन चलता है तो घिसता है, उसको खींचेगा तो एयर जो होगा ठंडा हो जाएगा। तो कूलिंग कॉइल जो एयर को ठंडा करने के लिए लगा रहता है बेसिकली। और उसके बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो है बैक फिल्टर है, आप लोग देख सकते हैं प्री फिल्टर बैक फिल्टर लगा रहता है, आप लोग देख सकते हैं ये जो है इसके पहले भी एक फ़िल्टर लगा हुआ है। तो फिल्टर जो होता है अलग अलग टाइप का होता है। तो फिल्टर का काम क्या होता है, एयर को डस्ट जो होता है एयर में उसको रिमूव करना, ख़त्म करना, उसको फिल्टर करके जो हमारा एयर को भेजना। और यहाँ पे देख सकते हैं ये डैम्पर है। तो डैम्पर क्या होता है, बेसिकली डैम्पर क्या होता है, एक मान लीजिए आपके घर में जो गेट होता है वही होता है, जब एचयू चलेगा तो ओपन रहेगा नहीं तो बंद होगा। ये डैम्पर का एक्चुएटर है। एक्चुअली में डैम्पर जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है आप लोग देखेंगे ये डैम्पर है। तो डैम्पर अभी ये जो है क्लोज है, ये जो एचयू चलेगा तो उस टाइम में ओपन हो जाएगा। तो यही डैम्पर है, ऊपर आप लोग देख सकते हैं सेम है। और यहाँ पे देख सकते हैं टेम्परेचर सेंसर है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए सेंसर रहता है, ताकि इसी टेम्परेचर पर क्या होता है हम लोग का ये जो है कूलिंग वाल्व ओपन क्लोज होता है। टेम्परेचर और प्रेशर गेज जो है इसी पे डिपेंड करता है। प्रेशर गेज आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग देखेंगे प्रेशर है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिफरेंशियल प्रेशर स्विच है। तो फिल्टर का स्टेटस गंदा है कि सही है उसके लिए यहाँ पे यूज हो रहा है, और फैन का स्टेटस के लिए भी डिफरेंशियल प्रेशर यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये डिफरेंशियल प्रेशर जो है फ़ैन का स्टेटस के लिए, कि फ़ैन रनिंग है कि नहीं है उसके लिए यूज हो रहा है। तो प्रेशर का डिफरेंस के हिसाब से ये जो है हमारा स्टेटस बता देता है कि फ़ैन ऑफ है कि ऑन है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये चिल्ड वाटर का सप्लाई है, जो पानी का सप्लाई है, इस पर भी प्रेशर का गेज लगा हुआ है, टेम्परेचर का सेंसर लगा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये गेट बटरफ्लाई वाला है, तो अगर हम लोग को इसमें एचयू में मेंटेनेंस वगैरह कुछ करना है तो इसको क्लोज कर सकते हैं। वैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी बटरफ्लाई है, और रिटर्न का आप लोग देख सकते हैं एक्चुएटर लगा रहता है। तो रिटर्न में एक्चुएटर कहीं भी आप लोग जाएंगे तो रिटर्न में एक्चुएटर लगा रहेगा, कि ये जो है फ्लो को रेगुलेट करता है, जितना
हम लोग को टेम्परेचर चाहिए, इसमें से पानी जाता है हमारा कूलिंग कॉइल में और घूमता रहता है, फिर ये जो है जितना पास होगा जितना टेम्परेचर चाहिए उतना ही इसमें से पास होगा। अगर ज़्यादा ओपन हो रहा है तो क्या हो रहा है कि पानी का ज़रूरत ज़्यादा है तो ज़्यादा कूलिंग मिलेगा, कम ओपन होगा तो कम कूलिंग मिलेगा। तो ये जो है मेन इसका इक्विपमेंट होता है। तो हम लोग देखेंगे इसमें डक्ट वगैरह, आप लोग देख सकते हैं ये सप्लाई एयर का डक्ट है और ये जो है रिटर्न एयर का है, जो बिल्डिंग से हमारा यूज हो रहा है वापस जो है बिल्डिंग में जो एयर है यहाँ से जा रहा है फिर वापस वहाँ से ये जो है फ्रेश एयर है और यहाँ पे एग्जॉस्ट हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि इसमें एचयू जो यूज होता है इसमें क्या होता है कि हम लोग कॉमन एरिया में या कहीं भी ज़्यादा अगर मान लीजिए कि आदमी रहेगा तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो उसी को एग्जॉस्ट करने के लिए रिटर्न का एयर जो होता है हम लोग कभी कभी उसको एग्जॉस्ट करते हैं, तो उसके लिए एग्जॉस्ट फैन लगा देख लेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेश एयर है, फ्रेश एयर यहाँ से आएगा और यहाँ पर आप लोग देखिए कि फ़िल्टर लगा हुआ है, फ़िल्टर से ये जो है हमारा क्लीन हो जाएगा यहाँ पे, फिर इस पे जाएगा, इस फिल्टर से भी क्लीन हो जाएगा, फिर इस एरिया में आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा, तो कूलिंग कॉइल से पहले आ जाएगा और रिटर्न का एयर जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद में क्या होगा, रिटर्न यहाँ से आ रहा है और ये फ्रेश, तो जितना टेम्परेचर रहेगा उसी के हिसाब से इसमें हम लोग जितना सेट पॉइंट रखेंगे यहाँ पे कूलिंग कॉइल में वाटर का सर्कुलेशन होता रहता है, तो जितना अगर ये जो वाल ओपन होगा उसी के हिसाब से यहाँ कूलिंग होगा, तो ये टेम्परेचर पे सेट पॉइंट पे रहता है। आप लोग देख सकते हैं ये अलग अलग टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है इसी के लिए कि वो टेम्परेचर सेंसर उसको कमांड देगा MOV को, ये MOV जो है उसी के हिसाब से ओपन होता है, तो इसमें उतना ही पानी फ्लो होता है, तो यहाँ से जब एयर जाएगा तो ये हमारा यहाँ से ठंडा होके क्या होगा कि यहाँ पे ब्लोअर जो है ब्लोअर के पास आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ब्लोअर के पास आएगा, ब्लोअर इसको बिल्डिंग में सप्लाई दे देगा और एग्जॉस्ट के लिए आप लोग देख सकते हैं रिटर्न यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इस एरिया में जा रहा है, फिर वहाँ पे आप लोग डैम्पर देखें और एग्जॉस्ट के लिए ये रिटर्न एयर तो जा रहा है ऊपर और इसी में अगर हम लोग वहाँ पे एक डैम्पर लगा हुआ है आप लोग देख सकते हैं ये जो है डैम्पर है, तो डैम्पर को अगर हम लोग क्या करते हैं ओपन कर देते हैं तो यहाँ से एग्जॉस्ट चला जाएगा, यानी जब इसको हम लोग ओपन करेंगे अभी क्लोज है, जब हम लोग ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग एग्जॉस्ट कर लेते हैं। तो इसका सिंपल सा प्रोसेस होता है एचयू का, क्या क्या होता है प्रोसेस आप लोग को पता चला होगा और इसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट होता है आप लोग को पता चला होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास आसानी से टाइम पर पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।